विधानसभा की 9 सीट पर उपचुनाव की वोटिंग हुई, लेकिन मुस्लिम बहुल सीटों पर वोटिंग के दौरान हंगामा देखने को मिला। दिन भर मुजफ्फरनगर के मीरापुर में हंगामा हुआ, मुरादाबाद में बैरिकेटिंग के खिलाफ लोगों ने हंगामा किया, मुस्लिमों को वोटिंग से रोकने का आरोप भी लगाया, मैनपुरी में एक लड़की की हत्या पर भी बवाल हुआ। एसपी नेता पर लड़की की हत्या का आरोप है जो कि दलित परिवार से आती है। बीजेपी एसपी ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने जहां बीजेपी पर चुनाव में बेईमानी करने का आरोप लगाया, तो वही भूपेंद्र चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि एसपी ने इलेक्शन में फर्जी वोटिंग और हंगामा खड़ा करने के लिए बाहर से गुंडे बुलाए थे। एसपी की शिकायत पर ईसी ने यूपी में 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया है। तो इन्हीं आरोप प्रत्यारोपों पर शुरू करेंगे आज की डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। नौ सीट की लड़ाई, इलेक्शन में बेईमानी तक आई। भाजपा इन उपचुनावों के लिए इतनी बेईमानी कर रही है क्योंकि इसे जनता भी हरा रही है और उसके अपने लोग भी हरा रहे हैं। ये बेईमानी पे इसलिए उतर आए हैं कि जनता तो है ही खिलाफ, इनके अपने लोग भी इनके खिलाफ हैं, दिल्ली और डिप्टी दोनों इनके खिलाफ हैं। उपचुनाव वाले क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी ने बाहर से बुलाकर जिस प्रकार से अराजक तत्वों को बुलाकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की है, वो हम सबके सामने है। जिस प्रकार से बुर्का पहनकर महिलाएं फर्जी वोटिंग कर रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपके सामने आया। बीजेपी पर अखिलेश का वार, सिंहासन हिला इस बार। ये इसलिए हिले हुए हैं क्योंकि इनका सिंहासन हिल गया है, इनका सिंहासन हिल रहा है। भाजपा आंदोलन लड़ाई से होने वाले वोट की कमी को विपक्ष के वोटर्स को वोट न डालने देकर के पूरा करना चाहती है। मैनपुरी में सैफई परिवार और अखिलेश यादव के गुंडे फिर से आतंकवाद का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसे न सरकार बर्दाश्त करेगी, न भारतीय जनता पार्टी, न उत्तर प्रदेश की महान जनता। बीजेपी का प्रहार लूट तंत्र नहीं, लोकतंत्र की होगी जीत। एक साथ एक प्रकार की सरकारें केंद्र और राज्य में आती हुई दिखाई दी और एक साथ आई, जो समस्या 500 वर्षों से समाधान नहीं हो रही थी, मात्र 2 वर्ष में उस समस्या का समाधान हो गया, मात्र 2 वर्ष में। मतदान में बुर्के पर बवाल, पुलिस पर उठे सवाल। समझ रहे हैं कि प्रशासन के द्वारा सख्ती की जा रही है, और जिस तरह लोकसभा चुनाव में भी जिस तरह पुलिस का रवैया रहा है, मैं समझती हूँ उससे एक कदम आगे का रवैया उत्तर प्रदेश की पुलिस आज अपना रही है। फर्जी वोटिंग पर घमासान, किसकी राह आसान। आदरणीय नेताजी का आशीर्वाद हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा। उन्होंने खुले मन से पार्लियामेंट में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया, और मैं यही कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है अपनी जीत दर्ज करती आ रही है, उपचुनाव में भी वह जीत जीतेगी। और अब देखते हैं आज महाबहस के 3 राउंड के सवाल, जिनके इर्द गिर्द करेंगे आज पूरी चुनावी चर्चा। सवाल नंबर 1, यूपी का उपचुनाव हंगामा क्यों बरपा। आज दिन भर हंगामा होता रहा, कभी समाजवादी पार्टी आरोप लगाती रही, फिर बीजेपी का प्रत्यारोप सामने आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, चुनाव आयोग ने एक्शन लिया। कुल मिलाकर आज जो वोटिंग डे था वो पूरी तरीके से हंगामेदार रहा। 9 सीट की लड़ाई, इलेक्शन में बेईमानी तक आई। अब समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ही एक दूसरे पर चुनाव में बेईमानी करने का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि बुर्के की आड़ में दूसरी महिलाएं, बाहर से लाए हुए लोग जो है वो फर्जी वोटिंग कर रहे हैं, तो सपा आरोप लगा रही है कि उसके वोटर्स को जो है धमकाया जा रहा है और लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। सवाल यह भी कि फर्जी वोटिंग पर घमासान, किसकी राह आसान। बहरहाल जनता ने तो फैसला कर ही लिया है, अब 23 नवंबर को असल नतीजे बताएंगे कि किसकी राह आसान और किसको जनता ने एक बार फिर से संघर्ष का रास्ता दिया है। चर्चा की हम शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जेपीएस राठौर साहब जुड़ रहे हैं, मंत्री यूपी सरकार में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज 18 पर। नमस्कार आस्था जी। जी, 9 सीटों पर चुनाव सर आज खत्म हो गए, 50% के आसपास ओवरऑल पोलिंग जो है वो आया है।
आप लोग बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी भी बड़ी जीत का दावा कर रही है, लेकिन वोटिंग के दिन ही इतना हंगामा, अभी हाल ही में कुछ साल उठा करके देखें तो चुनाव में देखने को नहीं मिला है। आप भी गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं, वो भी गड़बड़ी का आरोप आप पर लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा है कि ये इस तरीके से अराजक तत्वों के माध्यम से और बूथ कैप्चरिंग करना और चुनाव को एक तरीके से लूटने का इनका पूरा विचारधारा रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरा स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखती है। हमने बहुत निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को निवेदन किया था, माननीय आयोग को भी निवेदन किया, और सभी जगह बहुत शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा था। आज लेकिन इन लोगों ने जिस तरीके से बूथों पर जाकर हंगामा करने का काम किया, क्योंकि इनको पहले लग रहा था कि हम 9 की 9 सीट जीत लेंगे, और उसके बाद जब 2-3 दिन पहले इनको पता चला कि ये जमीन खिसक गई नीचे से, तो कल इन्होंने बुर्का का एक हथकंडा अपनाया। आप ये सोचिए कि ये बुर्का मतलब उठा के देखा जाएगा, नहीं देखा जाएगा, वोटर की पहचान की जाएगी, ये तो नियम सबको पहले से पता था, 1 महीना 2 महीना पहले भी कर सकते थे, लेकिन ऐन चुनाव के वक्त 1 दिन पहले ये करना, उनका ये हताशा निराशा दिखा रही कि किस तरीके से वो निराश हो चुके, हताश हो चुके, डर गए और बुरके के आड़ में वो वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम मतदाताओं को, भोली भाली जनता को बरगला कर, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके लगातार उनका वोट लेने का काम कर रहे हैं। अब वो सब भी लोग समझ चुके हैं, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने जिस तरीके से झूठ बोला, आरक्षण के नाम पर, संविधान के नाम पर और खटाखट योजना के नाम पर, अब जनता समझ चुकी है। हरियाणा में जिस तरीके से इनको जवाब मिला है, तो उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर भी जवाब इनको मिलने जा रहा है, 23 तारीख को सबके सामने आ जाएगा।